मिशन में जाके आप काम करते हो ना, तब जाके पार होता है, वरना ये बीच में लटके रहोगे सारी जिंदगी के अंदर। जब मैंने आईएमसी ज्वाइन करी, नौकरी छोड़ी, पहले महीने का 73 रुपए पे आउट आया था। मेरा बेटा हुआ था 15 दिन पहले, 6 महीने में बीच में फ्री रहा था नौकरी छोड़ने के बाद। स्टडी किया मार्केट के अंदर, मार्केट स्टडी किया, कौन सी कंपनी करनी है। सबसे जरूरी चीज होता है एक अच्छी कंपनी को चूज करना। मार्केट स्टडी किया, कौन सी इंडस्ट्री करनी है, कौन सी कंपनी करनी है, आईएमसी ज्वाइन करी। उसके बाद किसी बंदे की हिम्मत नहीं पड़ी मेरे से दूसरी कंपनी की बात करने की। और आप लोग, हम लोगों को फोन करते हो, सर मुझे ऑफर आ रही है। हमें नहीं आती होंगी। हाँ, हमें आती हैं, लेकिन वो ऑफर बीच में ही उनकी बात ना जुबान पे वहीं पे ताला लग जाता है, क्योंकि हम लोग दो टूक बोल देते हैं, किसी दूसरी कंपनी की मेरे से बात कर ली ना, यहीं पे दो टुकड़े कर दूंगा मैं। ये होता है डिसीजन लेना। और हम लोग क्या करते हैं, सर पैसा नहीं आता सर शुरू में। अबे कौन सी कंपनी में आता है, कौन से बिजनेस में आता है? तुम चाहते हो तुम 10,000-20,000 बीवी करो और तुम्हें कोई 50,000 रुपए दे दे, कहां पे आता होता है? चिटफंड कंपनियों में आता है, जहां पे पैसे लगाते हो, लोगों के पैसे डुबोते हो, रातों रात किसी में नहीं पैसा आता। लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, कौन से प्रॉफिट आ गया रातों रात? किसी को नहीं आता। और बंदा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अच्छा, जो लोग साले जाते हैं उनको भी जाके पूछ लो कि क्या आ गया। यहां पे 10,000 आ रहा था, 50 के लालच में गए थे, 10 से भी गए। और ये सबसे बड़े कामचोर लोग होते हैं। मेरे ना वर्ड कुछ और आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको रिफाइन कर रहा हूं। ये सबसे बड़े कामचोर लोग होते हैं। अगर मुझे 20 लाख का पे आउट आ सकता है तो तुम्हें क्यों नहीं आ सकता? हां जी, करो मेरे बराबर काम, मेरे बराबर काम करके दिखाओ। मैं 25 दिन घर से बाहर रहता हूं, आज भी रहता हूं इस लेवल पर आके भी, और एक दिन नहीं रह छोड़ सकते आप लोग अपने बीवी बच्चों को। यस और नो, एक दिन नहीं छूटता।